मेरे दिल में। الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرع قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملائمة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي المكي المدني العربي الفتحي الأبتهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر حراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا रमजान की सुबह है मौला के मातमदार दिल हर आन हर लहजा जिंदगी की हर मोड़ पर यही चाहता रहा है कि जब कभी अली याद आए, जब कभी अली का ख्याल आए, जब कभी अली का जिक्र छिड़ जाए, जब कभी अली के मुताल्लिक गुफ्तगू हो तो कोई ऐसी फिक्र वहम हो
कोई ऐसी तख्तील दस्तियाब हो कि जिसमें एक अनोखापन हो, जिसमें एक जिद्दत हो, जिसमें हिकमत पसंद करने वाली फिक्र के लिए एक गिजाए ताकुल हो, एक गिजाए रूह हो। हर वक्त यही दिल की तमन्ना रहती है कि अब जब अली का जिक्र छिड़े तो कोई गुफ्तगु नहीं हो। यानी इसलिए नहीं कि हम इस गुफ्तगु की जिद्दत को अपने अक्ल की तख्लीक समझते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जिसका जिक्र है वो इतना लामहदूद, इतना लामहदूद है कि किसी हद बयान में, किसी हद जिक्र में, किसी हद इफ़हाम और तफहीम में कभी आता ही नहीं। इसलिए जहाँ हदें न हो वहाँ क्यों कोशिश न की जाए कि इंसान फिक्र में ताजगी पैदा करे। ये हमारा ममदू है, किसी और का ममदू नहीं। यानी इसमें कोई ताली नहीं, इसमें कोई खुद सिताई नहीं, कोई अपना नमू नहीं। हमारा ममदू वही है जो नबी का ममदू है, नबी का ममदू वही है जो खुदा का ममदू। तो इस एतबार से वहां एक जात गिरामी है जो हदों में नहीं आती, जिस पर न फिक्र मुहीत है, न जहां कोई ताकुल ये दावा कर सकता है कि हमने इहाता किया है। तो जब वो हर फिक्र से बुलंद है तो हर दौर में, हर जमाने में, हर सदी में, आज और आज के बाद सदियों तक इसका इम्कान कि जब कभी जिक्र छिड़ जाए इस जाते गिरामी का, तो हर बोलने वाले के लिए, हर सोचने वाले के लिए, हर लिखने वाले के लिए, हर कहने वाले के लिए इसका इम्कान है कि कोई नई बात ऐसी कह दे जो उस वक्त तक के लिए फिर इतनी ताजगी रखने वाली हो जब तक कि कोई दूसरी और नई बात ना आए। इस मंजिल पर यानी ये सिर्फ लफ्जों की हद तक, जुमलों की हद तक, या इजहार मुद्दा के किसी तरीके की हद तक ये गुफ्तगू महदूद नहीं है, बल्कि ये वारदात कल्बी हैं, ये मुशाहदात ज़ाती हैं। बसीरत रखने वाली आँख और हिकमत रखने वाला दिल हमेशा इस ममदूह को उस मकाम पर पाता है कि जहां तारीफ जितनी भी की जाए, जितनी भी तौसीफ की जाए, उस ओलू तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए मैं कुछ दिनों पहले अपनी तफसीर की तकरीरों में इब्ने अबिल हदीद का ये शेर पढ़ रहा था, वो फौज अली बिल उला फौजुहा बही फकुल इला कुल मुजाफुन व मंसूब। अली बुलंदियों पर गए तो वो अली की फजीलत नहीं है, फौजुहा बही वो बुलंदियों की फजीलत है कि अली तक पहुंच गए।
منسوب ہوں اس لیے کہ کل کل کی طرف نسبت پاتا ہے, کل کل کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو وہ علو ہے, اس میں بلندی ہے, وہ علو مراتب کا دائرہ ہے کہ جہاں عقل انسانی قاصر ہے احساس احاطے سے. اس مختصر سی تمہید کے بعد یقیناً آپ نے صدہا مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھا ہوگا. تو یہ وہ مشہور آئے واقعی ہدایہ ہے جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم سے شروع ہوتی ہے, اور یہ آئے واقعی ہدایہ علی عظیم پر ختم ہوا. تو اگر آپ سب کو یاد ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, مگر ہمارے عرفاء علماء جب اس آئے کرسی کی تفسیر شروع کی تو ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ اس ایک آیت میں جملہ باطل افکار اور باطل مذاہب کی تردید کر دی گئی ہے اس ایک آیت, اور اس طرح سے بحث چھڑی کہ جب آپ نے کہا اللہ تو دہریت کی رد ہے, کہ دہریہ مانتا نہیں ہے کہ کوئی ہے خالق, اور آپ نے اعلان کیا ہو کہ میرا کوئی معبود ہے اللہ. آپ نے کہا لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے, کہ جو وہ اہرمن و یزدہ کو مانتے ہیں ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے. آپ نے کہا نہیں ہے کوئی مگر تنہا اللہ, دہریت کی رد ہے, لا الہ الا ہو سنویت کی رد ہے. الحی وسنیت اور سنم پرستی کی رد ہے کہ وہ ہے زندہ ہے, تم کیا بتوں کو تراش رہے ہو جو نہ تھے آج بنے کل پھر مٹ جائیں گے. الحی القیوم طبیعیین کی رد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی. قیوم ایک قیام دینے والا چاہیے, ایک قائم کرنے والا چاہیے, جس سے دنیا قائم ہو ایک ایسا قیوم چاہیے, طبیعیین کی رد ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نیند نہیں ہے اونگ نہیں ہے. نصارہ کی رد ہے, عزیر اور عیسیٰ کو خدا ماننے والوں کی رد ہے, جو انسانوں کو خدا مان رہے تھے جو کبھی سوتے تھے کبھی جاگتے تھے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یہ رد ہے مفوضہ کی, جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کائنات کو بنا کے انسانوں کے حوالے کر دیا. آیت کہتی ہے نہیں, جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں زمینوں میں سب اسی کے اقتدار میں ہے, سب اسی کے پاس ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو بغیر اس کے اذن کے اس کے پاس شفاعت کرے. یہ ان لوگوں کی رد ہے جو انکار شفاعت کرتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم, وہ جان رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے, اور ہم خلفہم جو ان کے پیچھے ہے جو چھوڑ کے آ رہے ہیں, جو
वो कर रहे हैं, ये रद्द है उनकी जो अपने आप को जबरिया कहते हैं कि वो खुद अपने हुक्म से अमल करवाता है। तो फिर जब अमल करवा रहा है तो उनके किए को महफूज क्यों करता है कि क्या छोड़ा क्या लेके आए, जब तू जान रहा है कि तू ही ने ये काम करवाया है तो फिर उसके महफूज करने की क्या जरूरत है। जबरिया इनकी हद है, ये अलम मा बैन अयदीहिम वमा खल्फहुम वला यहीतून बिशय मिन इल्मिही। मुनज्जमीन की रद है, काहिनीन की रद है कि उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता, कोई मुनज्जम नहीं बता सकता कि ये काम इस वक्त होगा, कोई काहिन ये बता नहीं सकता कि ये मामला इस वक्त पेश आएगा, उसके इल्म का कोई इहाता नहीं कर सकता। ला यहीतून बिशय मिन इल्मिही। और उसके बाद वसिअ कुर्सियुहु समावात वल अर्ज, उसकी कुर्सी आसमानों और जमीनों पर मुहीत है। यह फलासफा का रद है कि जहां फिक्र और तखय्युल की हदें पहुंचकर एक मरतबा थक गई कि अर्श क्या है, कुर्सी क्या है और अर्श और कुर्सी पर मुहीत कौन है, फलासफा की रद। वला यहूदहु हिफ्ज़हुमा, जमीन और आसमान की हिफाजत से वो थकता नहीं है। यह यहूदियत की रद है जो ये कहते हैं कि खुदा छह दिन काम करता है, सातवें दिन सो जाता है, सातवें दिन आराम करता है। ला यहूदहु हिफ्ज़हुमा, उसको किसी की हिफाजत में थकन नहीं है। वो हुवल अलीयुल अज़ीम, सारे उलमा ने लिखा कि पूरी आये कुर्सी का खुलासा इस लफ्ज में है और अली अजीम सारे बातिल मजाहिब के लिए रद है। वहुवल अलीयुल अजीम मुशरिकीन की रद है, कुफार की रद है, बेईमानों की रद है, मुनाफिकों के लिए रद है, गलत अफकार रखने वालों के लिए रद है। अली अजीम खुदा का नाम है और मेरा मौला उसी अली अजीम का मजहब। वहुवल अलीयुल अजीम, तो मकाम मजहरियत उसको अता हुआ और ये उलू उसको मिला कि जहां वो कुफर की रद पर आए, जहां वो हर बातिल की रद पर एक आहनीन दीवार बने हुए हो, और आपको अगर दलील की जरूरत है तो वही जंग खंदक, यानी अली अजीम की एक तौजीह कर दी कि ईमान कुल कुफर कुल के मुकाबले में जा रहा है। ये ज़बान मासूम है, बरज अल ईमान कुल्लो इलल कुफर कुल्ले, ईमान कुल कुफर कुल की तरफ जा रहा है। और इस तरह से ये वजाहत कर दी गई कि वो बुलंदी सलवा तो ईमान कुल करार दिया है इसको मासूम ने, ये बुलंदी ये अजमत ये इफ्तिखार ये मनसब बुलंद कायनात में एक ही इंसान को मिला, और फिर वो इंसान के जिसके लिए जिस तरफ नजर डालो दुश्मनी ही दुश्मनी, कोई आमादा ही नहीं है एतराज से हटने के लिए, किसी न किसी बात पर एतराज, किसी न किसी अम्र पे एतराज, किसी न किसी चीज को महल एतराज बनाया जाता है। दुश्मनियां इतनी ज्यादा कि आपके दिलो दिमाग में नहीं आ सकती, और दुश्मनियों का जवाब उसकी मोहब्बत दे रही है। आगा। 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 आगा।
एतराज करते जाओ इस जिक्र पर, मगर उसकी मोहब्बत जो दिल में उतर चुकी, फकत दिल में नहीं उतरती है, लक्षलों तक उतर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जा रही है, फिर वो अमानत बनकर एक और नस्ल के हवाले हो रही है। यह 1391 हिजरी का रमजान है और मालूम नहीं कितनी सदियां गुजर जाएंगी, मगर इब्राहिम की दुआ कबूल है। वजाल अफ़ादतम मिनन्नास तहवीलैहिम, परवरदिगार इंसानों के दिलों को उनकी तरफ रागिब कर, दिल रागिब हो गए, दिल मुतवज्जे हो गए। अब जहां दिल में घर बने, अगर उसका घर जलाया भी जाए तो जो बना हुआ घर जला वो तो एक ही वक्त जला, मगर जो दिलों में घर बनते जा रहे हैं उसको कब तक जलाओगे? यहाँ नशेमन जलाकर हर सयाद खुद मुस्तरिब है। जो दिल में घर बन रहा है वो जल नहीं सकता, और इतना पुख्ता घर है और उस अकेले के लिए यह घर है, उसमें उसके गैर की गुंजाइश नहीं। उसका अपना कोई हो, तो उसके लिए तो गुंजाइश है, उसके गैर के लिए इस दिल में गुंजाइश नहीं है। तो इस गुंजाइश के न होने को और उस गुंजाइश के होने को तवल्ला तबर्रा कहा गया। देखा दिल गैर को इजाजत ही नहीं देता कि इस घर में आओ, जितनी मर्तबा चाहे नाम ले लीजिए, जबान तक रहेगा ना। और फिर एक बात, ये मेरे वारिदात नहीं, ये आपके वारिदात नहीं, अरे कुछ उनके चाहने वाले भी जबान से नाम लेकर नाम को दिल तक नहीं पहुंचा सकते। बात चूंकि जिद की आ पड़ी है कि इतनी सदियां गुजर गई निभाह के जाओ, इसलिए नाम तो ले रहे हैं, मगर इन्हीं से पूछो कि ये नाम ले सकते हो गिरते हुए? इन्हीं से पूछो ये नाम ले सकते हो किसी परेशानी में? इन्हीं से पूछो कोई यतीम बच्चा तमाचा खा के ये नाम ले सकता है? इन्हीं से पूछो कोई बेवा माँ अंधेरी रात के डरावने संसार में घबरा के ये नाम ले सकती है? जिद की बात और है, मरातिब का कायम करना और है, ये बतलाना और है कि ये अफजल ये अफजल ये अफजल, सब कुछ सही। हम कहां जाएं गुफ्तगू करते हुए,
हमने तो अपने दिल की हकीकत आपके सामने रख दी कि यह दिल गैरे अली को कबूल करने के लिए तैयार है। इसलिए नहीं कि हम शिया हैं, नहीं, अगर मोहब्बत आपके भी दिल में हो तो आपको इस मकतब फिका में आने की जरूरत नहीं, मोहब्बत खुद आपको चौंका देगी, झिझोर देगी। जाहिर है कि उनसे मोहब्बत न हो मुसलमानों को तो और किससे हो। देखिए अजीब मंजिल, इस जात गिरामी पर लाके खिलाफत को खत्म किया का खिलाफत राशिदा यहाँ खत्म हुई तो फिर तय कर लीजिए ना कि इसके बाद तो राशिदा नहीं है। अब पहनों की गुफ्तगु, गुजरने वालों की गुफ्तगु तो वह सूफिया किराम से पूछिए। सिलसिला चिश्तिया ने क्या किया, सिलसिला नक्शबंदिया ने क्या किया, सिलसिला कादरिया ने क्या किया, नेमतुल्ला शाहियों ने क्या किया और दूसरे तमाम तबकात और सिलसिला तसव्वुफ ने क्या किया, उन्होंने सारे अपने सिलसिलों को पहुंचाया अली तक। ये जानते हुए कि खिलाफत राशिदा की आखिरी मंजिल पे है, उससे पहले भी तीन मंजिलें थी, मगर एक मरतबा जब उनसे पूछा कि अली ने इस खरखाए खिलाफत को किससे पढ़ना तो उन्होंने कहा रसूल से। सूफिया इकराम अजा नहीं देते आपकी तरह, मगर अपने शजरों में बिला फासिल मानते। बाहर अली अजीम का मजहर है, हर मंजिल पर उलू है, हर मंजिल पर बुजुर्गी है। अगर नूर के एतबार से देखें तो उसकी बुजुर्गी मुसल्लम, कोई इसके नूर को कयामत तक जुदा नहीं कर सकता रसूल से बिला फासिल। और अगर विलादत के एतबार से देखें तो वो उलू वो बुलंदी, क्या आगाज खुदा का घर, और कोई अंजाम को देखे तो अंजाम खुदा का घर। उलू को देखे तो कभी पैगंबर के सीने पर यजुमनी अल्लाह सदरे ही, वो यकनुफनी अल्लाह फिराशे ही, वो कान यमजुग शै सुमयु लक्मोनी, मुझे अपने सीने पर सुलाते थे, मेरे लिए अपने बिस्तर पे जगा करते थे, और पहले अपने दंदाने अकदस से किसी चीज को तोड़ते और फिर मुझे खिलाते। कुन तो अत्तबाहु इत्तबा अल-फसील असर उम्मे, और मैं उनके पीछे पीछे इस तरह चलता था जैसे बकरी का छोटा बच्चा माँ के पीछे चलता। नूर में फसल नहीं, सारा बचपन गुजरा फसल नहीं, पैरवी की मंजिल में फसल नहीं, नबी आगे मैं पीछे। तुम तो अत्तबे हो इत्तबा उल फसील सरा उम्मे, इस तरह से चला, और उसके बाद
कान युजाविरो फी कुल सनातन फिल हिरा, और हर साल जाके हिरा के कार में कुछ दिन और रह जाते, वो अना माहू और मैं साथ रहता फसल नहीं। गाना युजाविरो फी कुल सनातन बहरा वो अना माहू, यहां तक के वही आई, वही उस पर आई और अरा नूर अल वही, मैंने वही के नूर को देखा। वही उस पर आई अरा नूर अल वही, वो अशुम रिहा नुबुव्वा, मैंने नुबुव्वत की खुशबू को सूंगा। नुबुव्वत उस पर आई, खुशबू मैंने सूंगी फसल नहीं। बचपन से यह 40वां साल हो गया पैगंबर को, फसल नहीं अरा नूर अल वही, वह शुम रिहन बुब्बा, वलकत समय तो रन्नत शैतान, और मैंने शैतान की फरियाद सुन, वह कुल तो लहू या रसूल अल्लाह मा हाज़िहि रन्ना, और मैंने कहा अल्लाह के रसूल यह फरियाद क्या है, या शैतान मायूस हो चुका, उसने जो कोशिशें शुरू की थी अब वो यह समझ गया कि अब उसकी कामयाबी नामुमकिन है, और तुम यह मुझसे पूछ रहे हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो इन्ना का तस्माऊ मा अस्माऊ व इन्ना का तरा मारा, तुम वही सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं, तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। तस्माऊ मासमाऊ, वो ये खुदबा कासिया से पढ़ रहा हूं, वो इन का तराओ मारा, तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं। फसल नहीं दरमियान में सिर्फ नबुव्वत, के जो खत्म नबुव्वत बन के आगे बढ़े तो विलायत। फसल नहीं अब साथ साथ बिस्तर हो सोने के लिए, तो बचपन में भी रसूल के बिस्तर पे सोए। और नबी की मुहाफ़ज़त में भी रसूल के बिस्तर पे सोए। और फिर फसल नहीं बद्र में, फसल नहीं ओहद में, फसल नहीं कंदक, सिर्फ एक मकाम पर नमूने के तौर पर बतलाया कि अच्छा अली कुछ रुक जाओ। अली इनके बल वाले तो निकल जाए, कभी ये न कहे हमको नहीं भेजा था, वरना नबी नहीं जानता कि अली आशोबे चश्म में मुब्तला है, नबी नहीं जानता कि अली मदीने में छूट गए हैं, मगर नहीं बतलाना था कि एक मर्तबा हौसले निकाल लो फिर न कहना। वक्त आया और ऐसा वक्त आया कि यहूदियों का लश्कर और कवी हो गया, और उनकी उम्मीदें बंद गई कि अब नबी शिकस्त खा गए, और नबी मुस्कुरा रहे थे कि कयामत तक के लिए बतला रहा हूं कि अगर फासला डालोगे तो हमेशा हारोगे। Shut
आरियत है, खैबर एक रमजियत है। जब फसल आए देखो वही होगा जो खैबर में हुआ ना। और इसीलिए आपके हकीम शायर को यह कहना पड़ा, हजार खैबरों सदगुण अजदर सींजा। खैबर भी है अजदर भी है, यानी बचपन से लेकर जवानी का घेर लिया। अजदर झूले में, खैबर जवानी में, हजार खैबरों सदगुण अजदर सींजा। नहर के नाने जमी खोर्द हैदरी दाना, हर जौ की रोटी खाने वाला, फटे हुए कपड़े पहन के निकलने वाला, मिस्कीन बनकर कौम के सामने आने वाला हैदर नहीं है। हजार भरोसा घूमना दरस नहीं जाओ, नहर के नाने जमी खोर्द है दरी दौनत। जाहिर है इकबाल की जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद ये भी जहाज, फिर दुनिया यहूदीयत से उलझ चुकी, आज यहूदीयत फिर मुकाबिल पर। गैर हा खैबर शुदा बेहैदरी, बोल हैदर नहीं है, इसलिए हर दार खैबर बना हुआ है। कहाँ हैदर बढ़ के खैबर से है ये मारिका दीनो वतन। इस जमाने में कोई हैदर कर्रार भी है तो आपने देखा, एक मौके पर इजाजत दे दी कि आप चुप रहो, हम पुकार लेंगे, हम बुला लेंगे। और फिर ये भी कि रात को तलब नहीं किया, रात को तो फकत ऐलान करके मुतमईन हो गए कि कल अलम मार्च को दूंगा। और सुबह को पूजा कहाँ है, आ तो गए मदीने से मगर आंखों में तकलीफ। नबी जान रहे थे कि इसके अपने दर्द, इसकी अपनी तकलीफ है। इम्तिहान मिल्लत के मौके पर खुद अली के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। जाहिर है कि उलमा ने कहा, मुहद्दिसीन ने कहा कि लुआब दहन लगाया, लुआब दहन लगाया। और सबों ने कहा, अपने पराए यगाने बेगाने सबों ने कहा, अरे वो लुआब दहन क्या हो, मुबारक लुआब था कि जिस दहन अक्दस से वही की तिलावत होती। बोलो आप था, मुझे उसमें कोई हिजाब नहीं, इसलिए कि अगर उसका जरा सा भी हिस्सा किसी और को मैसर होता तो नस्लों तक फकरा मुबाहत कर। मुए अक्दस को रीशे अक्दस के संभाल के रखते हैं। अगर कहीं और आंखों में लुआब दहन लगाया जाता तो मालूम नहीं आज फजाइल की किताबों में क्या अंबार हो जाता, किस मोहब्बत से ये अमल हुआ और किस मोहब्बत से आंखों के तकलीफ को खत्म किया गया। बहरहाल अली और इसी खैबर के कसीदे में इब्ने अबिल हदीद का ये शेर है,
وفاز علي بالعلا فوزها به فكل الى كل ملاف ومنصوب کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علی زیادہ پا نہیں گئے جنگ کے میدان گھوڑے پر گئے اور اسی مقام پہ جب الحدید نے کہا تھا الجواد علی ظہر الجواد واخشب جواد جواد پہ سوار اور ابھی میں جواد گھوڑے کو کہتا ہوں اور اس طرح سے قصیدہ خیبر کو ختم کیا میں نے کئی مرتبہ اس قصیدے کے اشعار کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی آخری منزل کہ ایک مرتبہ گھبرا کے گا یا قال الباب الذی اے اس دروازے کے اکھاڑنے والے انہز ہی کہ جس کو حرکت دینے کے لیے اجازت لہو اکفو اربعون و اربعون چوالیس آدمی جس کو حرکت نہ دے سکتے تھے تو انہیں ایک مرتبہ اکھاڑ کے پھینک یہ بلندی اور میں بلندی ہی کی گفتگو کر رہا ہوں اس بلندی کو دیکھ کر کہ ہاتھوں کا خیبر ہے کسی نے رسول کو مبارکباد دی کہ دروازہ ہاتھوں پہ آ گیا تو کیسی پہنچی تیری نگاہیں ہاتھوں تک پاؤں کو دیکھ دل نے آپ کو پکارا مولا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک زندگی کا ایک خلاصہ پیش کیا جائے اس لیے کہ مولا کل تمام دن جو گزرا آپ اپنی گزشتہ زندگی پر سوچ رہے تھے کہ میں اس طرح سے بچپن میں نبی کے ساتھ تھا میں اس طرح جوانی میں رسول کے ساتھ تھا میں ہر لڑائی میں رسول کے ساتھ تھا میں نے اسلام کی خدمت کی میں نے لشکروں کے منہ پھیر دیے انا وضعت فی الصغر بکلعوك للعرب وکسرت النواج من قرون ربیعۃ ومنار وانا من رسول اللہ الزو من الزو میرا رسول سے تعلق یہ تھا جیسے کرن کو کرن سے شعا کو شعا سے تعلق ہوتا ہے کہ شمع کی لو کو اگر کوئی چاقو سے کاٹنے کی کوشش کرے تو کٹے گی اوپر جا کے پھر بھی رسول ایک سو ایک نور کے حصے اور اسی عالم میں رسول نے یہ طے کیا کہ ہر فضیلت منفرد ہو کے رہ جائے ہر فضیلت میں اکتا ہو کے رہ جائے یعنی اس طرح سے فضیلتیں ملی کہ کوئی شریک ہی نہ ہو سکا بیٹی دی داماد بنایا مباہلے میں لے گئے تفیر کی چادر میں چھپایا قربا میں نام لیا صدقے کو حرام قرار دیا ہر فضیلت جو بیان کی وہ اتنی انوکھی اتنی اچھوتی اور اتنی جدت کے ساتھ تسخیر کرنے والی کہ کوئی اس کی نظیر نہ لا سکا نماز میں انگوٹھی دی آیت آئی دنیا نے کہا ہم بھی تقلید کریں
रसूल ने कहा कोई मुजायका नहीं, देते जाओ। बच्चों ने रोटी उठा के दी, आए था बंदगी के कमाल पे पहुंचे, कसीदे के कसीदे आए। الطائعون العابدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين قصیدے کے قصیدے آئے، گیارہ گیارہ نام آیت میں وقت واحد، اور اس منزل پہ پہنچ گئے۔ اب جہاں آپ پہنچے وہاں پھر میں آپ کی توجہ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ پھر کوشش کریں کہ کوئی ایک ایسی نئی فکر ہو کہ جہاں دل پکار اٹھے کہ چونکہ وہ لامحدود ہے، اس لیے دلوں نے سیر کی، دماغوں نے فکر کی، تعقل نے کام لیا، اور ایک ایسی بات دلوں تک پہنچ گئی کہ جو یاد رکھنے کے قابل، وہ یہ کہ علی ایک ایسی زندگی چاہتے تھے جہاں کلمہ اطلاق پا جائے، جہاں لا الہ الا اللہ اپلائی ہو جائے، منطبق ہو جائے، نہیں ہے کوئی مگر وہ، اس کا بندہ بھی ایسا بنے، بندہ بھی ایسا بنے کہ اس کے بندوں میں نہیں ہے کوئی مگر وہ۔ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جا۔ علی چاہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اطلاق پا جائے، منطبق، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، کلمہ دون جعل الاخلاص تاویلہ، یہ سیدہ کا خطبہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی تاویل اخلاص میں ہے۔ امیر المومنین کمال توحید ہی الاخلاص والا، توحید کا کمال یہ ہے کہ اخلاص اس کی ذات گرامی سے پیدا ہو۔ بہت غور سے سنو، علی چاہتے تھے کہ وہ لا الہ الا اللہ منطبق ہو جائے، اس لیے علی چاہتے تھے کہ اخلاص کامل بن جائے، اخلاص کامل بن جائے، اس لیے علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ علی کی پوری زندگی سورہ اخلاص کی تفسیر ہو۔ ثبوت قل هو الله احد، تو چاہتے تھے کہ اخلاص ہی اخلاص، اور اخلاص بدون بندگی نہیں۔ گفتگو ختم، بشرطے کہ آپ یاد رکھیں علی کے بچپن سے لے کے علی کی شہادت، اگر علی مرحب کے مقابل میں ہے، اگر علی عمر ابن عبدود کے مقابل میں ہے، اگر علی رکوع میں زکات دے رہے ہیں، اگر علی مسکین و یتیم کو کھلا رہے ہیں، اور اگر علی تازیانہ لیے ہوئے کوفے کی گلیوں میں تحدید کر رہے ہیں، تو ہر آن بندگی، ہر لحظہ بندگی۔ یہ ہے علی کی زندگی۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نصیری ہیں، آپ نے آغاز تقریر میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم غالی ہیں، نہیں، علی کے آغاز سے لے کے انجام تک ہر نفس بندگی۔ علی نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں یہ اڈھال دیا کہ سجدہ کرے تو بندگی، تلوار چلائے تو بندگی۔ سجدہ کرے
तो बंदगी, उनके सजदों में बंदगी, उनके रुकू में बंदगी, उनके क़ियाम व क़ुऊद में बंदगी, आयतें गवाह हैं। ये है सजदा करने वाले, और तलवार चलाए तो बंदगी ज़बाने रसूल से, कि इबादत सकलाइन से बेहतर है। तो आप अब इस अमर पे हमेशा गौर रख करें कि अली का हर नफस इताअत इलाही में, अल्लाह की बंदगी में, और इसी बंदगी ने अली को सरफराजी दी, इसी इबादत ने अली को सरफराजी दी। अगर मैं समय तमार की दुकान पर बैठे हुए अली खजूर तोल रहे तो बंदगी है। अगर 5 दिरहम लेकर 3 दिरहम में एक कुर्ता और 2 दिरहम में एक कुर्ता खरीद के 3 दिरहम का कुर्ता अंबर को और 2 दिरहम का कुर्ता खुद पहन रहे हैं तो बंदगी है। अली वो बंदे हैं जो बंदा नवाज बन गए। अली वो बंदे हैं जो बंदा परवर बन गए, और इसी मंजिल वो बंदा परवरी उनकी इतनी बढ़ गई कि उस बंदगी ने अली को लाफानी कर दिया। या इसलिए कि बंदगी के कमाल पर वजह रब हो गए, क्या वजह रब हो गए, कुल्लो मन अलैहा फान वो यबका वजह रब तक अजुल जलाओ। वजहरब के माना मालूम है आपको, चेहरा नहीं जिससे खुदा पहचाना जाए, वजह चेहरा आपकी इस्तलाह में लुगत अरब और तफसीर कुरान में जिससे खुदा पहचाना जाए, खुदा को पहचानवाया बिना और अल्लाह वो बिना ओबेद अल्लाह हमारी तरफ से खुदा पहचाना गया, हमारी तरफ से खुदा की इबादत की। लौलाना मा उबिद अल्लाह मा उरिफ अल्लाह, अगर हम न होते न खुदा की इबादत की जाती न खुदा पहचान। इस मकाम बंदगी पर अली फाए, अगर चाह ये कि जमाल हो तो बंदगी, अगर चाह कि सिफीन में लड़े तो बंदगी, अगर लैलतुल हरीर में 1000 आदमियों का कत्ल कर दिया है एक रात में तो बंदगी, और अगर यह देख कि अब अली तलवार को रोकने का वक्त आ गया तो इशारे रब को पाकर सिफीन की जंग से कूफे की मस्जिद तक आ। कुछ आप समझ रहे हैं, ये इशारा है रब्बानी है। आपने कल के अंग्रेजी अखबार देखे हों और उसमें मौलाना असदुल कादरी ने वाज़े तौर पे लिखा कि अली को अगर जरा सी मोहलत मिलती आज इस्लाम का नक्शा कुछ और होता। कल के अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल कि अगर मौका मिलता और अली अगर सिफीन से वापस न जाते जरा सी मोहलत मिलती तो आज इस्लाम कुछ और होता। तो सिर्फ इतना पूछूं कि आज इस्लाम क्या है। मैं मौलाना असदुल कादरी के उस मजमून से मुतासिर हूं कि उन्होंने अपना हक अदा किया। जाहिर है कि नुक्ता निगाह का इख्तलाफ होगा, मगर जिस अंदाज में उन्होंने लिखा वो यही था कि वहां कुछ और हालत बदल जाती अगर अली को मौका मिलता। मगर अल्लाह के बंदे जब इबादत की मंजिल पर आते तो जैसे अली को रोका जाता है वैसे हुसैन को रोका जाता है जंग से कि हुसैन बस करो। इसका वो बंद याद है आपको, आई निदाए गैर।
है हुसैन पर। कभी मैमने पर हमला किया था हुसैन ने, कभी मैसरे पर हमला किया था, कभी कल्ब पे हमला किया था, और अल्लाह के शेर की तरह से हमले हो रहे थे, और बार बार कह रहे थे अब्बास अब देखो हुसैन की लाश। अली अकबर याद आए तो सिर्फ इतना कहो तुमने नदे की जंग बदर रहे बिदर की जा। मगर ऐसे में अनीस कहते आई निदाय आए के बस आए हुसैन बस। उसी तरह से निदाय आए सिर्फ इनके मैदान में पहुंची अली बस करो अली वादे की घड़ी आ गई। अली लिखाए परवरदिगार का वक्त आया। मामून रशीद ने पूछा कि फरजंद रसूल क्या आप क्या जब जानते थे कि अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम मस्जिद में है। कहा फरजंद रसूल क्या आपका जब कोई यकीन था कि वो कत्ल किए जाएंगे। कहा तो फिर क्यों गए। नस से सरी है कुरानी की मौजूदगी में कि ला तुल्कु बेअयदीकुम इला तहलुका। इरशाद फरमाया नस अपने मकाम पर दुरुस्त मगर अली के लिए अहकाम कुछ और है। और अहकाम ये थे कि जात वाजिब ने अली के सामने दो चीजें रखी, या हयात जावेदानी दुनियावी या लिखाए परवरदिगार। मेरे जद ने लिखाए परवरदिगार को पसंद किया, हयात जावेदानी को ठुकरा दिया, कमर बांध के घर से निकले और ये कहते हुए निकले कि कुलसूम इन परिंदों को कल छोड़ दे। मुसलसल 3 दिन से मेरे माला के जिक्र में मशगूल हूं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मसाइब की हद तक मुझे तशफी नहीं हुई। परिंदों ने पतों ने बुरगादियों ने दामन को थाम थाम के चीखना शुरू, यानी जबान बेजबानी में कहते थे न जाओ मौजा। आपने फरमाया ये सवाओ ये है, यानी ये सयहा है, ये चीख की आवाज, और इसके बाद नौहा है। सवायह के बाद नवायह है। दरवाजे को बंद किया, गली में आए, मस्जिद के करीब पहुंचे, किसी के आहिस्ता आहिस्ता पीछे आने की आवाज मालूम हुई। मुड़ के देखा कौन है। कहा हसन। तो क्या काम है। कहा बाबा आप अकेले जा रहे हैं। हसन मुस्तफा मेरे हक की कसम वापिस जाओ, वापिस जाओ बेटे वापिस जाओ। मस्जिद में आए आजादी कातिल को बेदार किया, मुसल्ले पर आए अली का सर जख्मी हुआ, मेहराब मस्जिद में अली झुक गए, मिट्टी जख्म पर डाली और कहा मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम दौरतन नुखरा। इसी से खल्क किया है
इसी में लौटाए जाओगे, फिर इसी से तुमको उठाया जाएगा। और उसके बाद कहा फुज तो बेरब बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं फाइज हो गए, अली खुदा की कसम आप फाइज हो गए, खुदा की कसम आप फाइज हो गए। वो एक सुबह मस्जिद कूफा नहीं है अली, कयामत तक जब रमजान की 19 आएगी, इसी तरह से याद आते रहेंगे। मौला सवारी गिलीम में चली, सहने मस्जिद में सवारी आई, सवारी को रोका, किबला रूह हो गए, जख्मी पेशानी सहने मस्जिद पर रख दी। का खुदा बंदा कयामत के दिन अंबिया और मुसलीन और मलाइके मुकर्रबीन के रूबरू तू गवाही देना, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का इत्लाह, ये है इबादत का कमाल। तो वो जर्ब खाई वो इबादत, जख्मी हुए इबादत, घर को चले इबादत, सवारी चले, असहाब को कहा चले जाओ, मैं जख्मी होकर घर जा रहा हूँ, फातिमा की बेटियां बाहर आ जाएंगी, असहाब को रुखसत किया, हुआ यही कि अभी अली किलीम से उतरे ही थे और दोनों बेटों के कानों पर हाथ रखा ही था जब पर्दा उलट के ज़ैनब पर, रोजादारों की इस खलील खिदमत को कबूल कीजिए मौला, उन्नीस का तमाम दिन गुजरा, कभी असहाब को बुलाते थे, कभी साहबजादों से गुफ्तगू करते थे, वसीयतें की मशहूर वसीयतें हैं सब नहजुल बलागा में, और बेअख्तियार कहा घबराना नहीं, मां कुन तो इल्ला का और बिन वरदा वो ताले बिन वजदा, बेटा ये नहीं समझना कि अली मर गए, नहीं अली को खुद मौत की तलाश थी, अली प्यासा था चश्मे के करीब आया, अली तलब में था, अली को मौत मिल गई, घबराना नहीं, मगर बेटा चंद बातें उसका ख्याल रखो, सबसे पहले उसी कुम वो उसी कुमाओ वो मन फलू किताबी, और जहां जहां मेरी वसीयत जाए उन सब से वसीयत करता हूं मैं तकवा लाऊ, मैं तकवा हाथ से जाने न पाऊ, वो अल्लाह अल्लाह फिर सलात नहा उमूद दीने को, नमाज को न छोड़ना, ये दीन का सुतून है, किसी और ने वसीयत की है ये, वो अल्लाह अल्लाह फिल कुरान लाओ यस्दिकुकुम बिल अमल लाओ यस्दिकन्नकुम बिल अमल वही गैरुकुम, कुरान को हाथ से न छोड़ना कहीं तुम्हारा गैर अमल में तुमसे आगे न बढ़ जाए कुरान पर, वो अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम यतीम बच्चों का ख्याल रखना, फला तुगिब्बु अफवाहहुम ऐसा ना हो कि उनके मुंह खुले हुए हों और तुम उनके सामने गिज़ा खा रहे हो, अल्लाह अल्लाह फी बैत रब्बकुम, हाँ हाँ अल्लाह के घर का ख्याल रखना, इन तुरे का लम तुना जरूर, अगर जिस दिन ये छूट जाएगा तुम पहचाने भी ना जाओ, तुमको मोहलत भी नहीं मिलेगी, काबे का ख्याल रखो, वो अल्लाह अल्लाह फिल मसाकीन फशारिकुहुम फी मईशतकुम, हाँ हाँ मिस्कीनों का ख्याल करो, उनको अपनी जिंदगी में शामिल करो, अपनी मईशत में शामिल करो, शरीक कर लो, फशारिकुहुम फी मईशतकुम को शरीक, और हाँ लौ बनी अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब का औलाद लौ फयन्नकुम तकूजुन दिमाउल मुस्लिमीन खौज़ा,
تقولون قتل امیر المومنین, ایسا نہ ہو کہ میں تم کو کل اس حالت میں پاؤں کہ تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہوں اور تم کوفے کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے پائے جاؤ کہ ہم علی کے خون کا بدلہ لیں گے. واللہ لا تقتل النبی الا قاتلی, خدا کی قسم میرے بدلے سوا میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کرو. دیکھا آپ نے, یہ ہے علی, وہ ایک دور جا چکا ہے, کیا ایک قتل پر جمل. یہ علی کا عدل ہے, جب میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے. اچھا اچھا, تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں, جاؤ. قیامت کا زہر تھا جو بچھایا گیا تھا تلوار, اب دست بھرم آ چکے. بیٹیاں سہارا دے رہی, بچے سنبھال رہے تھے, کبھی جام شیر تھا, کبھی پانی کے پیالے تھے, اور علی ذکر الہی میں مصروف. کل رات آئی تو مورقین نے لکھا یہ پہلی رات تھی میرے مولا نے بیٹھ کے نماز پڑھی. علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی, یہ خصوصیت ہے آپ کے علماء کی کہ جہاں ان بزرگوں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اس کو لکھ دیا گیا. علی نے بیٹھ کے نماز پڑھی شب شہادت, اور زینب نے بیٹھ کے نماز پڑھی قید خانے میں. بس ہو گئی گفتگو. رات آئی سب کو بلا کے وصیت کی کہ حسن تمہارے سردار ہیں, سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں. حسین عباس کو جدا نہ کرنا, حسین عباس کو اپنا غلام سمجھ, اب عباس تمہارے ساتھ رہے گا. اور یہ کہہ کے علی نے آنکھیں بند کر لی. سورہ احزاب کی تلاوت کی, یہ سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی. یہ علی اس وقت پڑھ رہے تھے جب علی دنیا سے جا رہے تھے. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ, جو لوگ اللہ کی رسالتوں کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے. اور آنکھیں کھول کے ایک ایک کو دیکھو, ایک ایک کو دیکھو. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ وقت دیا, اور ظاہر ہے کہ میں جب کبھی حسین ابن علی کا ذکر کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں فاطمہ, مگر آج تو پرسہ رسول کو دینا. اللہ کے رسول, یہ وہی بھائی ہے جس کو سینے میں پالت. وقت آیا, بیٹی کو نزدیک بلایا, زینب کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور نزدیک کھینچ کے دیر تک بیٹی سے بات کی. علی رخصت ہوئے, نہ حسن نے پوچھا, نہ حسین نے پوچھا, نہ کسی نے پوچھا شہزادی باپ نے کیا کہا, مگر یہ راز اس دن کھلا جب شام کے دربار میں جانے لگے, اور جب آخری دروازہ آیا اس وقت تک تو اس شام سے جا رہی تھی. دو جملے, ام لیلا آؤ, ام فروا آؤ,
घबराओ नहीं, मैं चल रही हूँ। सकीना चलो, अभी तो बीमार फूफी साथ है। मगर जब आखिरी दरवाजा आया और दरबार नजर पड़ा, कमर थाम के बैठ। अभी तो बीमार ने हाथों को जोड़ के कहा, फूफी अम्मा अब तक तो हमको संभाल के ला रही थी, अब बैठ गई। कहा